हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, एंड वाई रेशियो जेड, जो वाई और जेड का रेशियो है 3:7 का है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन डाटा लिखना होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो लिखिए गिवन डाटा क्या है आपका, गिवन में हमको क्या दिया है, ए बी किसके पैरल है, सी डी के, ठीक। ये हमको गिवन में मिला है ए बी पैरल टू सी डी, तो हम लिखते हैं ए बी पैरल टू सी डी, और ये सी डी किसके पैरल है, ई एफ के, सी डी पैरल टू ई एफ, ठीक, हमको गिवन है। और एक चीज दिया है वाई और जेड का रेशियो, तो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, ठीक। चलिए अब हमको फाइंड जो करना रहता है उसको लिखेंगे, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स कितना डिग्री होगा, तो हम फाइंड करते हैं वी फाइंड, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं हियर, ठीक, जो हमारा, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सी डी और ई एफ को देखिए अगर हम, ठीक, तो गिवन में हमको क्या दिया है, सी डी पैरेलल है इस ई एफ के, ठीक, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक, सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। और एक पी क्यू जो कि बुक में नहीं दिया था, मैंने कुछ पॉइंट नहीं दिए थे, मैंने अपने आप लिख लिया है, ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो नहीं दिया पॉइंट। तो मैंने पी क्यू लिया है एक इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हमारा पी क्यू क्या है, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट देम एट एस और टी पॉइंट पर, ठीक, एस एंड टी पॉइंट, ठीक, एस और टी पॉइंट है, ठीक है, पी मतलब पॉइंट है, मतलब जो हमारा सी डी ई एफ के पैरल है, जिसमें हमारा एक पी क्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये दोनों लाइनों को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एस पॉइंट पर और टी पॉइंट पर, ठीक। तो हम लिख सकते हैं देयरफोर, ठीक, हमने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था, मतलब आप बुक में पढ़े होंगे कहीं, अगर दो लाइनें पैरल हैं आपस में, ठीक, और एक तीसरी लाइन उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ अल्टरनेट्स एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक। तो दो लाइनें पैरल हैं सी डी ई एफ के, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू है, तो मतलब अल्टरनेट फॉर्म करेंगे, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, जेड या इक्वल हो जाएगा, ऐसे आप इसको ले लीजिए एक प्रकार से, जेड वन कर ले लीजिए, ठीक, जेड वन, ठीक, हल्का सा वन लगा दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, ये इसके इक्वल होगा, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। अब मेन जो प्रोसेस लगेगा यहाँ पास दिमाग लगाने का ज़रूरत है, ठीक, तो लगाइए। तो अब हम बता सकते हैं कि जो हमारा एंगल बनेगा सी एस टी एंगल सी एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी एफ के इक्वल हो जाएगा, वही मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारा सी एस टी एंगल होगा, मतलब जेड वन का एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एस टी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक, एंगल एस टी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है। चलिए हमने कर लिया, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ कि जे वाई और जेड वन में, ठीक, जेड वन लीजिए या जेड ए लीजिए, कोई, या इसको जेड ले लीजिए, ठीक, कोई इसमें तजुर्बी नहीं है, मतलब इक्वल है, मतलब यहाँ भी जेड होकर जितना वैल्यू होगा वहाँ भी इतना ही होगा, ठीक। तो और हम यहाँ देखें और वाई जेड में अगर हम देखें कंपेरिजन करें, ठीक, तो एंगल वाई ठीक प्लस एंगल सी एस टी इजक्ल टू 180 डिग्री, कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, और इसमें हमारा सी एस क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है,
मतलब ये यहाँ पास मिड पॉइंट, मिड बोल रहा हूँ मैं, एक इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। सीधी सी बात, यहाँ वाई और जेड में, ठीक, यानी वाई और जेड एंगल में, एंगल वाई और एंगल जेड में एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो लीनियर पेयर फॉर्म मतलब 180 डिग्री बना रहा है। कैसे हो जाएगा ये? बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक, 180 हुआ, ठीक। तो हमारा एंगल, और बात करें सी एस टी क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। और बात करें एंगल सी एस टी इज इक्वल टू, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे एंगल वाई को, तो माइनस में चले जाएगा, तो माइनस हो गया, ठीक। और एंगल एस टी एफ, एस टी एफ, एस टी एफ क्या बता रहा है, जेड बता रहा है, यहाँ जेड हो गया। अब इसको इक्वेशन को अरेंज कीजिए, तो अरेंज करेंगे तो वाई प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस आपको इक्वेशन अरेंज करना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ एक बार अगेन। देखिए जेड को इधर लाएंगे, इसको मैं किस, हाँ मान लीजिए इसी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 180 डिग्री माइनस जेड, माइनस वाई इजकल टू जेड, ठीक। तो माइनस वाई, जेड को इधर करेंगे तो माइनस जेड होगा, और माइनस 180 यहाँ पास हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड इजक्वल टू 180। ऐसे इक्वेशन अरेंज करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ देखें गिवन में एक चीज और दिया है, वाई और जेड का रेशियो 3:7 दिया है। अब देखा जाए तो बाई गिवेन, बाई गिवेन, ठीक, तो वाई इजकल टू हम 3 लिख सकते हैं, ठीक, रेशियो फॉर्म में दिया है, मतलब हम 3 ले लेंगे, और जेड इजकल टू हम क्या ले लेंगे, 7, ठीक। तो हम सिर्फ वाई इजकल टू 3 ही नहीं लेंगे और जेड को 7, अगर रेशियो में है मतलब कोई कांस्टेंट भी इनके साथ लगा हुआ है, मतलब वो मल्टीपल में है, कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल ले लीजिए, जैसे हमारे ले लेते हैं पी, यहाँ भी पी, ठीक। मतलब देखा जाए ये, इसका दो मेथड होता है, या तो दोनों को इकट्ठा जोड़ के अपॉन में 3/10 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से, ये एक दूसरा हुआ। और जो दूसरा तरीका है वो बहुत आसान है, इन दोनों को इस इक्वेशन में रख लीजिए, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया तो हम यही इक्वेशन में रखेंगे। हमको y इजक्वल टू मिल गया 3p या z इजक्वल टू 7p, तो हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y प्लस z इजक्वल टू 180 डिग्री है, तो y इजक्वल टू क्या हमने अभी लिया, 3p, और z इजक्वल टू 7p इजक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 10p इजक्वल टू 180 डिग्री, तो p इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 0 से 0 यही मैं कटा दे रहा हूँ, ठीक। तो p इजक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो हमारा p 18 हो गया, तो हम यहाँ आराम से निकाल सकते हैं y, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 3p, मतलब 3 मल्टीप्लाई पी के वैल्यू कितना है, 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 54 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, 54, ठीक। और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7p है, तो 7 मल्टीप्लाई 18, तो आपका आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक। अब हमको निकालना क्या था, अब हमको फाइंड में बोला था एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब इस एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, गिवन में दिया है, तो मतलब, और हम देखा जाए तो यहाँ भी एक अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, एक्स और जेड किसके इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मतलब देखा जाए तो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, और ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना यहाँ पास एंगल बनेगा वहाँ यहाँ पास भी बनेगा एंगल, ठीक, करस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक, इन दोनों को क्या बोलते हैं, करस्पोंडिंग एंगल्स। तो एक्स और जेड इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस एक्स इक्वल टू जेड,
बाई करस्पोंडिंग एंगल, ठीक हुआ। तो मतलब आप एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 126 डिग्री, ठीक, बाई करस्पोंडिंग एंगल से एक बार और लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, करस्पोंडिंग एंगल ऐसे ही आपको करना है। मेन चीज आपको नहीं मालूम होगा कि पैरेलल लाइन में कौन सा एंगल कैसे इक्वल होता है और कहाँ पासिंग इक्वल होता है, तो आप हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स, ठीक। तो थैंक यू, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।